तो कुंदन कुमार जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले ये बताइए कि कोरोना की चोट आपको लगी तो नहीं थी कभी वैक्सीन के पहले? नहीं, मतलब आप ठीक थे और उसके बाद आपने वैक्सीन में पार्टिसिपेशन किया। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने ये सोचा, डॉक्टर से क्या बातचीत हुई? मैं अभी जिस टाइम से मतलब ये कोविड का सिचुएशन जब से आया तब से मैं मतलब थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए जी। जब मैं देखा तो मतलब काफ़ी मुझे दिक्कत आई, हॉस्पिटल वगैरह में मैं जब भीड़ करता था तो देखा कि काफ़ी मतलब इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। बिल्कुल। तो मेरे मन में आया कि इसको कैसे सही किया जाए, तो फिर मतलब इसकी एक ही सोल्यूशन थी कि इसके मतलब इसके लिए वैक्सीन लाया जाए। तो मैं मतलब मेरे मन में आया ये कि मैं इसके लिए कुछ करूँ। तो फिर एक दिन मतलब मैं देखा पेपर में, थोड़ा सा माइक अगर आप ऊपर रखेंगे तो अच्छे से हम सुन जी। तो फिर मतलब मैं एक बार पेपर में देखा ऐड आया था, तो मैंने क्या क्या कि इसके लिए मतलब रजिस्टर्ड कर दिया। फिर मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर आप करवाना चाहते हो तो आपको इस दिन के लिए आनी पड़ेगी। तो मैं फिर सेकंड फेज में आपको वैक्सीन जी, मतलब एक्चुअली मैं फर्स्ट स्टेज में ही शॉर्टलिस्टेड हुआ था, बट उसमें मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन से मतलब नहीं लग पाई थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम थी। तो फिर उन्होंने सेकंड फेज के लिए मुझे बुलाया, तो सेकंड फेज में मुझे लगी। वैक्सीन लगने से पहले कौन कौन सा टेस्ट हुआ आपका, डॉक्टर्स ने क्या क्या देखा? जो उनकी पैरामीटर होती है वो सारा उन्होंने किया, जितने भी होती है तो उन्होंने मतलब सारा चीज़ किया। तो उसमें मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सारा मतलब मेरा नॉर्मल आया। और आखिर में एक सवाल, वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरीके से ठीक हैं आप? ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जब वैक्सीन लगी भी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। ठीक है कुंदन, आप बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।